अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहाड़ों को सर करना और बुलंदियों को छूना इंसान की नेचर और उसके जेनेटिक मेक में शामिल है। जिस तरह से एक बच्चा पैदा होने के बाद जब उसकी उम्र बढ़ती है और ग्रेजुअली वो सीखने के मरहलों में आता है और माशरे में निकलता है और उसकी जो ज़ाती सलाहियतें होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए और सोसाइटी से सीखते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो उसके अंदर मुहिमजोई का जज्बा और जस्तजू जो है वो बढ़ती है और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो माशरे के चैलेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है और फिर उनको सीखता है और आगे बढ़ता है। बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स जो कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि COVID-19 की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद हैं और इसका इफ़ेक्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा है और जिस तरह से लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे थे और पिकनिक्स कर रहे थे, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। लेकिन इन हालात में भी अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ और कुछ इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएं तो हम इस चीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे और सीखने का मरहला जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि एक ऑनलाइन बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स अपने दोस्तों के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाए और उसके लिए मैंने ये पहला स्टेप लिया। और ये बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स जो कि हम 2 से 3 क्लासेस में कोशिश करेंगे कि ये इसको कंप्लीट कर लें, तो और कोशिश यही होगी कि थ्योरेटिकली आपको कुछ चीज़ें बता दी जाएं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं और उसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं और जो चीज़ आप सीख रहे हों तो आप उसके साथ उसका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप माउंटेनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको माउंटेन्स पे जा के पढ़ें तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। लेकिन इस क्रॉनिक सिचुएशन के अंदर जो है वो हम किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जा सकते कि हम किसी हिली एरिया में या किसी माउंटेन पे जाके ये कोर्स ऑर्गेनाइज़ करते और वहाँ पे यानी थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी इन सब चीज़ों को कर पाते हैं। तो इसलिए कि छोटा सा एक स्टेप है तो आप लोगों के क्या नाम है ताउन से जो है वो मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको कर पाऊँ। तो बात हम ये कर रहे थे कि जब बच्चा पैदा होता है उसका सीखने का मरहला शुरू होता है और वो जब सोसाइटी में जाता है तो उसकी जो कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं वो ग्रो करने के लिए जो एक माशरा होता है वो उसके लिए हेल्पफुल साबित होता है और उसको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है और इस तरह के मौक़े मिलते हैं कि उसकी जो है वो लर्निंग्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं और वो एक कामयाब इंसान बन जाता है। कोनवर्दी माउंटेनियरिंग भी एक ऐसा शोबा है जो कि शौक़ के साथ साथ
एक प्रोफेशन भी है। जैसा कि आपको मालूम है कि माउंटेनियरिंग की फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर आप जो है वो अपना शौक़ भी पूरा करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप ये सब चीज़ें सीख चुके होते हैं तो वो उसको आप एक अर्निंग का ज़रिया भी बनाते हैं और उसको एज ए प्रोफेशन भी अपना लेते हैं, और उससे आप जो है वो अपना गुज़र बसर भी करते हैं।